सो हेलो गाइज, कैसे आप लोग और स्वागत है आपका हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो में। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक परमानेंट स्क्वाड इन फ्री फायर गेम। सो अगर आप भी चाहते हो आपका खुद का स्क्वाड हो जो कि आपके साथ कस्टम खेले, आपके साथ रैंक पुश करे, आप स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो पर आपके पास कोई स्क्वाड नहीं है, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का स्क्वाड बना सकते हो और किसी के भी स्क्वाड में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यार चलिए वीडियो को शुरू कर तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। So guys, अगर आप अपना खुद का स्क्वाड बनाना चाहते हो तो guys, सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपका रोल क्या है, क्या आप अच्छे से टीम को लीड कर सकते हो, क्या आप अच्छे से क्लोज रेंज संभाल सकते हो, अच्छा स्नाइपिंग कर सकते हो, अच्छा सपोर्ट फायर दे सकते हो। ये आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, तभी आप guys अच्छा स्क्वाड बना पाओगे। सो आपको आपका गेम प्ले अच्छा करना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका रोल क्या है, तो गाइस आपको बताना है कि मैं क्लोज रेंज अच्छा खेलता हूँ, और आपको मॉन्टेजियस वीडियो बनाना है और उसको आप इंस्टा या फेसबुक पे अपलोड करना है, मतलब करना है अपलोड। भाई ने बोला करने का तो करने का। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका रोल क्या है, तो गाइस आप उसे अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक का वो वीडियो दिखा सकते हैं जो कि आपने अपलोड किया है। अगर उसको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस वो आपको अपने स्क्वाड में ऐड कर सकते हैं। और गाइस अगर आप ऐसी वीडियो जो कि मॉन्टेजियस वीडियोज हो गए, और गाइस ऐसे क्लिप्स हो गए जिसमें आपने 1v4 क्लच किया है, या गाइस ऐसा गेम प्ले दिखा है जो कि सबसे अलग है और उसको आपने फेसबुक पे अपलोड किया है, और गाइस किसी स्पोर्ट लाइनअप की उस पर नज़र पड़ती है, तो गाइज अगर आपका गेम प्ले वहाँ पे उनको अच्छा लगता है तो गाइज आपको डेफिनेटली अपने स्क्वाड में लेंगे। सो आप इस तरीके से अपने मॉन्टेजेस या आपने कभी 1v4 क्लच किया है तो आपको उसे हमेशा रिकॉर्ड करना है, और जो बेस्ट क्लिप है उसको आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड कर देना है। सो अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे अपने वीडियोज अपलोड कर दिए और गाइज उससे आपको जितनी रीच मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, तो आपको क्या करना है उसके बाद, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका इन गेम नेम है ना उसको कॉपी करना है, आपकी UID है उसको कॉपी करना है, आपका KD रेट है ना अगर किसी का 4 का 3 का है तो गाइज उसको भी कॉपी करना है। फिर आपको क्या करना है, जो YouTube पे मेरी वीडियो है ना उसके नीचे आपको कमेंट कर देना है, और गाइज नीचे मेंशन करना है कि आपको किस चीज़ के लिए बंदे चाहिए, आपको रैंक पुश करने के लिए चाहिए या आपको स्पोर्ट लाइनअप चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको बंदे चाहिए, ये आपको नीचे मेंशन कर देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो गाइज डेफिनेटली आपको अच्छे बंदे मिलेंगे, और गाइज आपको किसी का रिक्वायरमेंट पसंद आता है तो गाइज उसको आप रिप्लाई कर सकते हो, आपके स्क्वाड के लिए उसको आप पूछ सकते हो। अगर उसको आपका स्क्वाड आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी लगती है तो गाइज वो भी डेफिनेटली आपका स्क्वाड ज्वाइन कर लेगा। तो गाइज अगर आपने ये सब ट्रिक्स को अप्लाई कर लिया फिर भी आपको ऐसे बंदे नहीं मिले जैसे कि आपको चाहिए, तो गाइज आपको डिस्कॉर्ड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डिस्कॉर्ड ऐप कैसे चलाना है ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। डिस्कॉर्ड पे जाने के बाद आपको वहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको किसी भी सर्वर को ज्वाइन कर देना है। फिर आपको वहाँ पे काफ़ी सारे टीम्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको आपका रिक्वायरमेंट डाल देना है। अगर किसी टीम को आपका रिक्वायरमेंट अच्छा लगता है तो गाइज वो आपको वहाँ से पिक कर लेगी अपने स्क्वाड के लिए। और गाइज डिस्कॉर्ड में बहुत सारे टूर्नामेंट मैचेस भी होते रहते हैं, कस्टम मैचेस भी होते रहते हैं जो कि स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर देते हो, बुइया निकाल देते हो, अच्छी पोजिशन अच्छा गेम प्ले अपना दिखा देते हो, तो गाइज वो वहाँ से भी आपको अपने स्क्वाड के लिए स्पोर्ट के लिए पिकअप कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपना स्क्वाड फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो, होप करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।